हाय फ्रेंड्स, जीत स्कूल आर्ट चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो को क्लियर दिखने के लिए आप क्वालिटी में जाके 144 से 360 कीजिए तो आपको वीडियो क्लियर दिखाई देने लगेगी। तो सबसे पहले देख लेते पेपर में से का पेस्ट कैसे बनाया जाता है। पेस्ट बनाने के लिए अपने को चाहिए पेपर, न्यूज़पेपर, इनका टुकड़ा करना छोटे छोटे और इनको भिगा के रखना है एक रात के लिए। फिर इनको सुबह कोई भी खुरदे हुए भाग में इनको मैश करना है, और मैश करने के बाद 3 कटोरी पेपर जो मैश किया है वो 3 कटोरी पेपर लेना है। फिर इनमें से थोड़ा पानी निचोड़ के अलग करना है तो ज़्यादा गीला हो जाएगा। फिर 3 कटोरी व्हाइटिंग पाउडर लेना है और इनको अच्छे से मिला लेना है। और फिर जो पीला मिट्टी है राव सेना के, इनको 2 कटोरी लेना है और इनको अच्छे से पेस्ट बनाना है, ज़्यादा गीला ना हो, ऐसे गोल बने, इस तरीके से अपने को पेस्ट बनाना है। चलिए सीखते हैं हम इस तरीके से फूल बनाना। इसके लिए अपने को चाहिए एक बोर्ड, एक कपड़ा, हम यहाँ पर एक पतला प्लाईवुड का टुकड़ा लिए, अपने को चाहिए कुछ ब्रश और कुछ ये औजार जो हम बाहर से बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। और अपने को चाहिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट सामान है, वो है पेस्ट, जो हमने देखे कैसे पेस्ट बनाया जाता है। हम यहाँ पर फूल बनाएंगे तो एक कोई भी व्हाइट पेंसिल या व्हाइट मार्कर से ड्रॉ कर लेते हैं अपने को जो डिज़ाइन, जो फूल बनाना है। व्हाइट कलर से बनाए तो ज़्यादा दिखता है अच्छे से, यदि हम ब्लैक पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छा क्लियर नहीं दिखाएगा और अपने को काम करने में थोड़ा सा कठिन जाएगा। ये ग्लास लाइनर करके ये पेंसिल है, कोई भी दुकान में मिलता है अपने को, जो जनरल दुकान है। इस तरीके से बोर्ड के हिसाब से अपने को डिज़ाइन बना लेना है। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब चाहिए अपने को एक ऐसे के फेविकॉल, अच्छा होता है ये, जहाँ पे डिज़ाइन बनाना है वहाँ पर पहले फेविकॉल लगा देना है। फेविकॉल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेविकॉल ही वो हमारे जो पेस्ट है वो पकड़ के रखेंगे। तो अपने पेस्ट लेंगे ऐसा हाथ से या नीचे रख के आप गोल बना सकते हैं लंबा, और इनको चिपकाते जाएंगे हाथ से ही, जो शेप है वो बना लेंगे, उनको चिपका देंगे। और एक गोल बना के यहाँ पर चिपका दिए। अब फूल बनाते हैं। जैसे पत्ती पीछे है तो पहले पत्ती बना लेते हैं, जो आप बनाना है वहां पर फेविकॉल लगाना जरूरी है बहुत। फेविकॉल लगाए, दोनों हाथ के सहायता से एक शेप बनाए पेस्ट के और उनको चिपका दिए। जहाँ पे बड़ा पत्ती है वहाँ पर थोड़ा बड़ा पेस्ट लेंगे, और इनको ऐसा चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद आप कोई भी एक बांस के लकड़ी थोड़ा सा घर में काट के उनको शेप दे सकते हैं। के भी पत्ते बना लेते हैं, बस उसी तरीके से बनाना है, जितना चाहिए अपने उतना पेस्ट हाथ में लेना है और वापस चिपकाना है। लोग फूल बनाते हैं, पहले जो पपड़ी है फूल के वो बनाएंगे,
अपने को जो बेसिक शेप है वो हाथ में ही बना लेना चाहिए, क्योंकि वो नीचे रख के शेप देने में थोड़ा तकलीफ होता है। इसलिए जो बेसिक शेप है अपने को पहले हाथ से ही उसको शेप देंगे, फिर उनको चिपकाएंगे, फिर जो बचेगा वो फिर नीचे रख के उनको शेप कर सकते हैं। तरीके से सभी पप्पी को बनाते जाना है, और आपको जो शेप देना चाहते हो वो शेप आप दे सकते हो। अगर हम थोड़ा इस टाइप के शेप यहाँ पर देते हैं, बच अपने को उंगली से बहुत शेप हम बना सकते हैं, और जहाँ पे उंगली नहीं पहुँचते वहाँ पर हम बारीक डिजाइन है वह पर हम बांस के जो औजार है उनके सहायता लेते हैं। बस जो नीचे का पत्ती है तो वो पत्ती पहले बना लेंगे, फिर ऊपर का पपड़ी बना लेंगे। ज्यादा कठिन है, बहुत आसान है, बस आप घर में ट्राई कीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आता है, और बहुत ही सुंदर आर्ट है जो कि हम इजीली बना सकते हैं, और ये सारे मटेरियल इजीली मिल जाते हैं अपने को। बस अपने को आपको चाहिए थोड़ा सा ड्राइंग की प्रैक्टिस, आप थोड़ा सा हर दिन ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल में हम हर दिन ड्राइंग स्केचिंग सीखते हैं, अब वो स्केचिंग की वीडियो देख के आप स्केचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पानी लगा के इनको फिनिशिंग करते हैं। और जैसे हमने बांस के औजार से हमने जो डिजाइन बनाए वहाँ पर ब्रश में थोड़ा पानी लगा के उनको उनके ऊपर थोड़ा ब्रश चलाना है, जिससे कि वो ज्यादा फिनिशिंग दिखेगा। फूल हमारा बन गया फूल। बस जहाँ पे हमने बांस के औजार चलाए बस वहाँ पर हर जगह पे ब्रश में थोड़ा पानी लेके उनके ऊपर चलाना है, तो वो नेचुरल लगेगा। और यदि हम ब्रश नहीं चलाएगा तो थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा और अच्छा नहीं दिखेगा, जो फिनिशिंग है वो नहीं दिखेगा। इसलिए ब्रश चलाइए, ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। जहाँ पे ज़्यादा बड़ा जगह है वहाँ पर प्लेन करना है तो उंगली में थोड़ा सा पानी लेके उसको ऊपर फिनिशिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर थोड़ा गड्ढा करना है तो हमारा जो ब्रश था ब्रश के पीछे से हमने थोड़ा सा यहाँ पर प्रेस किए, तो ये थोड़ा सा फूल के जो बीच के डिज़ाइन है ये बन गया। बस इस तरीके से पूरा सेम प्रोसेस वही करना है आपको। पहले हेवी कॉल चिपकाना है, हेवी कॉल लगाने के बाद जो शेप है पत्ती हो फूल हो बस हाथ में वो शेप बना लेना है और आपको चिपकाना है। और फिर जो बांस के जो औजार हैं उससे हम उनमें जो डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे। बस एक छोटा सा बांस लेना है, दोनों तरफ नुकीली करना है चपटा करके बांस को, बस औजार बन गया हमारा। बस जैसे हमने पहले फूल बनाए थे उसी प्रकार पपी हाथ में बनाना है, चिपकाना है, फिर थोड़ा सा उंगली में पानी लगा के उनको फिनिशिंग करना है। आप घर में जरूर ट्राई कीजिए, और यदि कोई दिक्कत आता है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स आता है आप कमेंट्स में लिखिए, कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं आपके हर प्रॉब्लम का समाधान देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट लिखिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं इनके नीचे और कुछ वीडियो आता है, वो वीडियो के एकदम नीचे जाके कमेंट्स आता है, जरूर कमेंट्स कीजिए। यदि मेरे वीडियो को
आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को दबाइए। आप कमेंट्स में लिखेंगे तो अपने को समझेगा कि हाँ आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और आपको क्या सीखना है, क्या चाहते हो आप लोग, बस कमेंट में लिखिए, हम साथ साथ सीखते हैं ये सारे चीज। जब हम सब लोग साथ मिल के ये सब चीज सीखते रहेंगे तो हमारा एक फैमिली बनेगा और हम सब साथ मिल के सीखेंगे। ये जो पेपर में इसका डेली पार्ट है बहुत ही सुंदर है, हमने ये बेसिक चालू किए फूल पत्ती से, इसके बाद हम कुछ एनिमल्स, फिर जो फिगरिंग है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो फिगर है वो काम चालू करेंगे। बस अपने को बेसिक से सीखना है तो अपने को ये बेसिक सीरीज ही चालू है जिसमें हम फूल पत्ती बना के जो हाथ का फिनिशिंग है वो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर ये सब बनाने की ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए या अपने बच्चों को सिखाइए, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। और ये पेपर मिशी से इतना सारे हम चीज़ बना सकते हैं, एक एक करके मैं आप सब को बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ये पेपर मिशी का। ये हम जो बनाएंगे धीरे धीरे हमारा हाथ ज़्यादा बैठेगा तो ये फाइन आर्ट के तरह दिखता है। ये बन गया हमारा, जितना सारे हम डिज़ाइन ड्रॉ किए थे वो सारे डिज़ाइन बना लिए हमने। अब जो खाली जगह है इनको अभी भर देंगे, बस फेविकोल लगाना है खाली जगह में और उंगली से जितना दबता है उतना जगह दबा लेना है। इस तरह से भरते जाएंगे। ये थोड़ा सा तकलीफ होता है क्योंकि हमने पहले डिजाइन बना ली उसके बाद ये कर रहे हैं, इसमें क्या तो थोड़ा अपने को पेस्ट बचता है, पर आगे जो हम बनाएंगे तो पहले ही जो हमारे बोर्ड है इनको पहले ही पूरा पेस्ट लगा लेंगे, उसको सुखाएंगे तो इनके ऊपर ड्रॉ करके जो भी डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे। तो चलिए बेसिक सीरीज है ये, हम आपको हर बात पता होना चाहिए। जो बैकग्राउंड का जो हम पेस्ट लगा रही है पहले ही लगा के फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं, या पहले डिज़ाइन बना लिए उसके बाद भी हम पेस्ट डाल सकते हैं अंदर। जैसा यदि पहले से पेस्ट लगा लिए रहते हैं और सूख गए रहते हैं तो पीछे में जो कुछ टेक्चर देना है वो नहीं दे पाते। जैसे हम यहाँ पर एक पेन जो ब्रश है उसके पीछे से एक डॉट एक टेक्चर दे रहे हैं, यदि पहले सूखा रहेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। तो अपने को एक टेक्चर देना था इसलिए हमने बाद में ये किए। चलिए एक दिन उनको जाने दीजिए, ये सूख जाएगा, जल्दी सूखता है। सूखने बाद इसको पेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको दो तीन प्रकार से पेंट कर सकते हैं। तो पहले टाइप का हम बता रहे हैं कि एशियन पेंट है जो ब्लैक, वो पूरा ब्लैक कर दीजिए, फिर उनको एक रात के लिए छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो पूरा जो एशियन पेंट है वो सूख जाए। ये हमारा सूख चुका है, इसके बाद ये आता है कॉपर कलर, यहाँ पर ये पैकेट में आता है। आप कोई भी हार्डवेयर की दुकान में जाओगे कि कॉपर कलर का पाउडर दो या गोल्डन कलर, कॉपर कलर, सिल्वर कलर, इसका पेस्ट पाउडर ही आता है। तो पाउडर लेंगे, उनमें एक कोपल वार्निश करके एक लिक्विड आता है, वो कोपल वार्निश हल्का सा लेंगे और सूखा सूखा उनका कलर बनाएंगे, एकदम सूखा बनाएंगे ताकि हम जो कलर करेंगे वो ऊपर ऊपर रहे। हम बस ब्रश में हल्का लेना है और ब्रश को एकदम सीधा करके नहीं चलाना है, फ्लैट करके चलाना है, चपटा करके चलाना है ब्रश को,
ताकि अंदर का जो ब्लैक भाग है वो रह जाए और जो ऊपर का उभरे वो भाग है उतना जगह को ही कलर लगे। तो देखिए हम जो चला रहे ऊपर ऊपर से, तो नीचे का जो डीप भाग है उसमें ब्लैक ही रहेगा और जो ऊपर उभरा हुआ भाग है उसमें कलर लगेगा। तो एक मेटालिक टच आता है और ऐसा लगता है बहुत पुराना चीज है या कोई मेटालिक आर्ट है। तो इस तरीके से हम मेटालिक टच दे सकते हैं, बस ऊपर ऊपर ही चलाना है। ये बन गया हमारा सुंदर सा फ्रेम। आप घर में जरूर ट्राई कीजिए, कुछ तकलीफ आए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, आपके हर क्वेश्चन के हम आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये बन गया हमारा सुंदर सा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।